बहुत टाइम, बहुत कुछ होता है। चलो रमजान मुबारक। और आज का व्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल होगा क्योंकि आज मैं अपना रमजान मंथ में जो मैं रोजा करती हूँ वही एक डे आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि रोजा डे मेरा कैसा जाता है, क्योंकि आप लोगों का खूब खूब सारा मैसेज आया मेरे पास कि दी आप रोजा का मतलब रमजान का व्लॉग क्यों नहीं शेयर कर रहे। और आप लोग देख पा रहे हो घड़ी में अभी कितना बज रहा है, 12:30 बज चुके हैं और मैंने अपना डिनर कर लिया। थोड़ी देर पहले ही मैंने डिनर कर लिया था तो मुझे लगा सहरी से नहीं, मैं रात के टाइम से करती हूँ तभी आप लोगों से थोड़ा सा बात कर पाऊंगी, क्योंकि सहरी के टाइम में ना मैं पूरा डाउन हो जाऊंगी क्योंकि मुझे लेटना है मतलब सोना है, तो तब मैं उठूंगी। थोड़ा सा खाने सहरी तो खाना पड़ता ही है और मतलब वो तो मतलब रिचुअल है, एक्चुअली नियम है कि अब ऐसे नहीं सो के कल उठ के तो रोजा नहीं हो सकता, तो वो तो रिचुअल्स के अंदर ही है और उठ के सहरी करके नियत भी करना होगा। मैंने ना फर्स्ट रोजा रखा था, उसके बाद नहीं रखा था इसलिए व्लॉग नहीं शेयर कर पाई थी। ओके, रोजा रख रही हो यार, ये क्या है आप लोगों का एक ही क्वेश्चन। आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप ये हो, अब आपको अगर लगता है मैं हिंदू हूँ तो हिंदू, आपको अगर लगता है मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम, अगर आपको लगता है मैं सिख हूँ तो सिख, अगर आपको लगता है मैं फॉरेनर हूँ तो मैं फॉरेनर, आपको जो लगता है आप वही समझो। एक्चुअली हम लोग इंडियन है और इंडियन से बड़ी बात हमारे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं, हम सब मनाते हैं यार। हम दिल देखो छोटा सा, इतना छोटा सा जिंदगी है और मिल बांट के जियो। आप उनका फेस्टिवल सेलिब्रेट करो, वो आपका सेलिब्रेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई बोलता है कि रोजा क्यों कर रहे हो या शिवरात्रि जो फास्टिंग है क्यों करते हो, इससे ऊपर वाला का कुछ फायदा नहीं होगा, हम लोगों का होगा। हम अगर उनके लिए करेंगे, वो लोग हमें इतना दे रहे हैं, भगवान अल्लाह हमें इतना दे रहे हैं, तो हम उनके लिए इतना छोटा सा नहीं कर पाएंगे कि हाँ मैंने भी कुछ किया उनके लिए। इतना बड़ा जिंदगी है तो ऊपर वाले को हर टाइम मतलब दिल में रख के उनको याद करके ही चलना है सबको, मैं यही बताऊंगी। तो चलो अभी सो जाते हैं। और या उठो उठो जल्दी उठो। मैंने यहाँ पे एक काफी चाय बैठाया है क्योंकि मैं अकेली पीती हूँ मिल्क टी, क्योंकि घर में और कोई नहीं पीता और शाकिब भी जो है वो ब्लैक टी पीता है, तो ये बस मेरे लिए है। दो ब्रेड ही काफी है, ये भी खाया नहीं जाएगा। टाइम निकला जा रहा है, खाना है तो जल्दी खाओ। नहीं खाएंगे रिया, जल्दी खाओ, ऐसा होता है। चलो बहुत टाइम है, बहुत कुछ होता है। चलो देखो ना, मेरा पूरा चाय गिर गया, मतलब मैं खाने जा रही तो मेरा पूरा चाय गिर गया, अभी मुझे खाने का ही नहीं मन कर रहा। चलो जल्दी जल्दी खा लो, चलो ब्रेड बटर खा लो। चलो कैसा हो गया है, पूरा 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 पेट में गिर गया, पूरा गर्म चाय, मेरा पैर भी जल गया पूरा, क्या हाथ में। ठीक है चलो, बहुत कुछ होता है, चलो एक एक बार हो जाता है। चलो मूड मत खराब करो, जल्दी जल्दी खा लो, खाने का मन नहीं करना। बार बार मैं ब्रेड जब भी खाने जाती हूँ ऐसा हो जाता है। ठीक से खाया करो, खाने पे भाग लाग देना, जाओ ना वो चुदू खेले पाते ना, तो बोल रहा हूँ चाको वो। मेरा आँख भारी भारी लग रहा है, तो क्या करे, ऐसे शुरुआत हुआ मेरा दिन, मतलब व्लॉग करने गई और मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा ऐसे स्टार्ट होगा रोजा का डे। तो चलो देखते आगे आगे क्या होता है, कैसा जाता है मेरा दिन, कुछ होने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अभी तो 4:20 हो रहा है, अजान भी हो गया और मैं जा रही हूँ सोने,
मैं देखती हूँ कब उठती हूँ, उठ के आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज अभी मैं जा रही हूँ शीला के घर की तरफ और 12 बजे मैं उठ गई, 12 बजे नहीं 11 बजे उठ गई थी सो के। इसके बाद मेरा थोड़ा बहुत काम था वो मैंने कर लिया क्योंकि वहाँ पे इफ्तारी होगा तो उसके साथ बहुत सारा काम है, सब खाना भी प्रिपेयर करना होगा, खूब सारा काम है सब करना होगा, तो इसीलिए मैं निकल रही हूँ। वहाँ ही जाके मैं शावर वावर कर लूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और इफ्तार करते करते भी टाइम लग जाएगा क्योंकि हमारा हाथ उतना फास्ट तो है नहीं और ना शीला का घर वो 4 तला में चढ़ने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। यहाँ से इतना धूप में एक फर्स्ट ऑफ ऑल जाना पड़ेगा, उसके ऊपर उसका 4 तला में चढ़ना, ओह बाप रे बाप, इतना तकलीफ होता है ना। मैं सोचती हूँ रोज़ा रह के सब कितना काम भी तो करते हैं, मेरा तो घर में बैठ के तब भी खाना पकाना बहुत ही टफ है मुझे पता है, तब भी जो लोग बाहर काम करते इतना धूप में, जिनका गाड़ी चलाने का काम है टोटो का ये वो, उनको कितना मेहनत करना पड़ता है यार। इसके घर में आते आते हो गया मेरा हालत, अब लग रहा है थोड़ा सा पानी पी लेते तो अच्छा। हाँ सोचो सोनू 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 देखो मेरे तो किचू स्माइल करे ना सबे को बोलता है हैप्पी रमजान, बोलो हैप्पी, बोलो हैप्पी रमजान, बोलो चुम्बा करे दाओ, बोलो सबाई रोजा करछो जिज्ञेस करो। अभी तो खे ही निच्छी खाने सबाई रोजा करछे। अच्छा खाओ खाओ। सुनो आमार साथे के शावर करबे? एकसाथे शावर करबो आमरा। तो आपको सब रेसिपी डिटेल्स में दे देंगे। चलो अभी मैं शावर कर लेती हूँ फटाफट से क्योंकि टाइम हो रहा है देर और सोनू शावर करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेकरार है मेरी बेटी। चलो चैन कर बामरा, आई लव यू बोलो मां। तो मैं और सोनू आ गई शावर करके, शीला का अभी बाकी है। तो शावर करने के बाद मेरा स्किन केयर मैंडेटरी है तो चलो मैं अपना स्किन केयर कर लेती। तो आज मैं अपना स्किन केयर करूंगी डर्मा-कोका पोर मिनिमाइजिंग रेंज के साथ और ये इतना अच्छा एक प्रोडक्ट है ना गाइज। एक्चुअली पोर्स जो है ओपन पोर्स, अगर आप ओपन पोर्स के साथ कोई भी मेकअप करना बहुत ही ज्यादा गंदा दिखता है, ओपन पोर्स अगर रहता है ना तो आप विदाउट मेकअप भी कहीं जाओगे तो आपके स्किन के ये पोर्स के ऊपर ही सबका नजर जाएगा जो बहुत ही ज्यादा गंदा दिखता है। इसके अंदर जो मेन हीरो इंग्रेडिएंट है वो है नायासिनामाइड एंड है पीएचए और नायासिनामाइड आप लोगों को पता है कि कितना ज्यादा अच्छा एक प्रोडक्ट है। नायासिनामाइड आपके जो पोर्स है ना उसे बहुत अच्छी तरीके से मिनिमाइज करता है, आपके इनके अंदर ऑयल सेक्रेशन होता है ना उसे कंट्रोल करता है, तो एक्सेस ऑयल अगर नहीं होगा तो आपकी स्किन अच्छा रहेगा, पोर्स भी नहीं विजिबल होंगे और आपके स्किन को भी बहुत अच्छे से इवन बनाता है। और पीएचए जो है वो क्या करता है, आपके स्किन में अगर डेड स्किन सेल्स है उसे अच्छे से हल्के से एक्सफोलिएट करता है और आपके स्किन को इवन बनाता है। पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है ये डर्मा-कोका पोर मिनिमाइजिंग क्ले जेली फेस वॉश के साथ, बाद में यूज करूंगी सेरम देख, इसे मैं 3 to 5 ड्रॉप बस यूज करूंगी, बस हल्के हाथों से मसाज कर लेना है। बाद मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ डर्मा-कोका पोर मिनिमाइजिंग डेली फेस मॉइस्चराइजर, इतना थोड़ा सा ही मुझे अप्लाई करना है फेस पे और नेक पे। आप लोग इसे डे और नाइट 2 टाइम्स भी यूज कर सकते हो, अगर आप लोग डे के टाइम में यूज कर रहे हो तो कोई भी अच्छा एक सनस्क्रीन इसके पहले जरूर यूज करना और पैच दिस मस्ट है गाइस। एंड एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम डर्मा-को विल लिंक योर ऑर्डर टू अ चाइल्ड दैट दे हेल्प एजुकेट अलोंग भूमि, दे हैव प्लेज्ड टू हेल्प 10,000+ स्टूडेंट्स अक्रॉस द ईयर। गाइस अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो सारे लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे और मेरा कोड RB2022 जो स्क्रीन पे आ रहा है ये यूज करने से आपको मिलेंगे इस प्रोडक्ट के ऊपर और भी 20% ऑफ, पर अगर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी डिस्काउंट प्राइस में है या कॉम्बो में है बस उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बाकी सारे प्रोडक्ट के ऊपर मेरा कोड यूज करने से आपको मिलेंगे 20% ऑफ। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी जाओ बाय कर। सोनू का आज का स्पेशल लंच, सोनू खाबे तो तुम्हें एक खुली फटाफट फिश फ्राई और की আর ভাত বাটার দিয়ে খেয়ে কি বলছো আমাকে কি খাওয়াতে হবে আমি যদি না খাওয়াই আমি যদি বাড়ি চলে যাই আমি বাড়ি চলে যাচ্ছি না প্লিজ আমি বাড়ি যাবো
बड़ो करे प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। आप तैयारी होगा छोले की, छोले यहाँ पे स्टीम हो गए हैं और अच्छे से हुए, काफी अच्छे से कुक हुआ है। तो चने के लिए यहाँ पे मैंने तवा को हल्का सा गर्म कर लिया है और इसके अंदर जाएगा ऑयल, क्योंकि मैंने अलग से जो शीला ने यहाँ पे बॉईल करके रखा है ना, यहाँ पे ये पोटैटोज, ये इसके अंदर जाएगा, ये फ्राई करेंगे पहले हल्के से। अब इसका मसाला तैयार करेंगे, तो सबसे पहले तेल में मैं दे दूंगी जीरा, ये अदरक पेस्ट, मसाला बहुत ज्यादा नहीं, बस शाही गरम मसाला। ये जा रहा है धनिया पाउडर, है जीरा पाउडर, जा रहा है कश्मीरी मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि चने में हम लोग बॉईल के टाइम पे दे दिए थे नमक, ठीक है। और थोड़ा ज्यादा, अब इसके अंदर पानी देके ना इसको चलाना है, नहीं तो लग जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अदरक जो है ना काफी ज्यादा एकदम ना ये हो जाता है, पकड़ लेता है नीचे से। पानी देने से ना आपका जो चना होगा उसके साथ ये मतलब मजे से एक मसाला वाला फील आएगा, तो इसीलिए ये बस करना पड़ता है। ज्यादा नहीं किए है चना, क्योंकि हम लोग उतना ज्यादा नहीं खाते, तो शाकिब ये बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, ये उसी का फेवरेट, शाकिब के लिए ही बना है। इसके अंदर और थोड़ा पानी दे देंगे ताकि ये अच्छे से मटर लेंगे, तो इसके अंदर मसाला अच्छे से चला जाएगा। अब तो ये देखो, ये बस ना जो चने हैं वो बस रेडी हो रहे हैं, इसका अलग से चाट बाद में बनेगा, थोड़ा सा ढक के कुक करते हैं। तो यहाँ पे बॉयल तो हो रहा है, तब तक ये सैंडविच का प्रिपरेशन चल रहा है, तो यहाँ पे बॉयल ऑलरेडी वो पोटैटो करके रखी थी उसके अंदर दे दिया है धनिया पत्ता और थोड़ा प्याज। अब क्या होगा, अब इसमें जाएगा चाट मसाला और ब्लैक पेपर। अच्छा, चाट मसाला जो है ना कोई भी खाने के अंदर देने से एक चटपटा सा एक फ्लेवर आता है। चलो मैं देख लेती हूँ मेरा चना बॉयल हुआ है कि नहीं। देखो अच्छे से हो रहा है, ये छोले ऑलमोस्ट देखो पूरा ड्राई हो गया है, पूरा रेडी हो गया है, पर अभी इसका सलाद मतलब वो नहीं बनाएंगे, चाट जो होगा वो अभी नहीं बनाएंगे, वो शाम को होगा, नहीं तो खराब हो जाएगा वो अभी से करने से। सोनू देखो ना कैसे हम लोगों की तरह दुपट्टा ओढ़ के, ओ माय गॉड सोनू तुम्ही रोजा करेछो भात खे वो लज्जा पे गेछे गो, आ हरे आहा। ये होगा यहाँ पे क्रिस्पी बॉल्स का प्रिपरेशन, आलू क्रिस्पी बॉल्स का यहाँ पे एक बॉईल करने के लिए दिया गया है, और इसके अंदर क्या क्या जाएगा, और ये ना खाने में बहुत ही जबरदस्त होता है, हम लोग खाए थे लास्ट दिन ना, तो बहुत ही मजेदार होता है, आप लोग जरूर ट्राई करना। इसके अंदर ना वो क्या किया है, ऑनियन को पहले पेस्ट करके उसका जो रस है ना उसको निचोड़ के उसके साथ मिला लिया है, ठीक है, और इसके अंदर जा रहा है ये लहसुन का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट है, अदरक देने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या है ये, आप लोग अगर आप लोग के पास ऑनियन पाउडर है और गार्लिक पाउडर है तो आप लोग ये डाल सकते हो पाउडर, और अगर आप लोग के पास पाउडर नहीं है तो आप लोग ऐसे करके डाल सकते हो, ऐसे आप बस उसका जो रस है उसे निचोड़ के दे देना, ठीक है। और मसाले में बस ब्लैक पेपर और सॉल्ट ही जाएगा और कुछ नहीं, और जाएगा अभी सूजी इसके अंदर, इससे क्या होगा ना आलू का जो मॉइस्चर है ना वो सूजी के साथ मिला के एक क्रिस्पीनेस आ जाएगा, इसीलिए सूजी जा रहा है इसके साथ। जाबे होचे कॉर्नफ्लावर इसका भी एक है, अगर आप लोग के पास राइस फ्लोर है मतलब चावल का आटा है तो देने का ये जरूरत नहीं है, सकते हो, और आप लोग के पास अगर नहीं है तो कॉर्नफ्लावर दे देना, बस उसके उससे ना डो जो है ना वो सॉलिड बनता है, बस इसीलिए क्रिस्पीनेस आएगा, इसीलिए ये देना पड़ता है और कुछ नहीं। और जाएगा ब्रेड क्रम्स, देखो सब कुछ जा रहा है, ये सब चीजें ना आपके ये पूरे पकौड़े को बहुत ही क्रिस्पी एक बनाएगा बोल के, इतना सब कुछ जा रहा है, उसे अच्छी तरीके से मिला के एक डो कर लेना है। अब मेरे दिमाग में आया कि एक चीज दे देते हैं, चीज देने से काफी मजेदार लगता है, थोड़ा चीजी चीजी, अरे रमजान महीने में थोड़ा सा मोटा तो हो जाए, इतना मोटा तो है और कितना मोटा, नहीं, नहीं, मोटा नहीं होंगे, अरे जितना देर हम लोग फास्ट करते हैं ना ये सब खा के गेन हो ही जाता है, कैलोरी गेन हो जाता है, हम लोग कोई डाइट फूड नहीं खाते ना, ये सब राइस खाते हैं, महीने के बाद फिर हम लोग वेट लॉस कर लेंगे। चलो इसके अंदर चीज को ग्रेट कर देंगे और भी मजेदार होगा, आ हा 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 हा। फटाफट
বাইরে যাবি তো যা বাইরে ভূত দাঁড়িয়ে আছে যা 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 এই চলো ঘরে চলো মাম্মু মাম্মু ঘরে চলো মামা চলো মামা শোনো চলো আমরা গল্প করবো চলো देखो ये डो हो गया है और इसका जो सॉफ्टनेस है वो भी गया और बहुत अच्छे से इसको अब कोई भी शेप दे पाएंगे। तो यहाँ पे शीला एक शेप दे रही है उसको जैसा पसंद है, मुझे लगता है यही शेप अच्छा लगता है। हाँ, फिश फिंगर हाँ। अभी ना अभी कर लेने से क्या होगा, शाम के टाइम में उतना मतलब ये नहीं लगेगा, ये करके हम लोग थोड़ा सा रेस्ट ले लेंगे, उसके बाद बस इसे फ्राई कर लेना है शाम के टाइम में। बस चलो कर लेते हैं हम लोग फटाफट इसे। थोड़ा सा सो गए थे क्योंकि तबीयत बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अभी सो के उठे ना तो जैसे लग रहा है कि चक्कर आ रहा है। उठना ही था क्योंकि बाकी सब काम बाकी है, तो कुछ कोक पे रखे थे तो अभी सब छानना पड़ेगा और सब बाकी जो खाना लगाना है वो सब प्रिपेयर करना होगा। तो चलो करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब और नहीं हो रहा है, अभी भी डेढ़ घंटा है। जैसे जो चना था उसको मैंने एक प्लेट में ले लिया है। अब इसके अंदर ना यहाँ पे देखो सलाद करके रखे हैं सब, वो टोमेटो धनिया पत्ता मिर्चा सब दे देना है। इसके अंदर ये जो पोटैटो था हम लोग फ्राई करके रखे थे ये डाल देंगे। ऊपर से जाएगा ये नींबू, पूरा नहीं लेना है, हाफ देने से चलेगा, आप जितना अमाउंट आप बना रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। ये एक्चुअली आलू कबली टाइप का हम लोग खाते थे ना बचपन में स्कूल में, वैसे टाइप है, उसमें आलू थोड़ा सा ज्यादा जाता है पर इसमें छोला ज्यादा जाता है, पर चाट तो एक ही है। मैं जब तक छोला रेडी कर रही थी शीला ने यहाँ पे एक बैटर रेडी कर लिया है। इसके अंदर क्या क्या है बोल दो। सिर्फ मैदा और कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर, पानी देके इससे वो जो हमारा ये रेडी हुआ है ना इसको मिला के छानना है, ठीक है। इसमें ये ले लिया है कॉर्नफ्लेक्स का गुड़ो और इसे ना बैटर के साथ जो इसे मिला लिया है उसके बाद इसे कॉर्नफ्लेक्स गुड़ो में अच्छे से मिला के रख देना है और इसे 15 या आधा घंटा तक फ्रिज में रखना है। इससे क्या होगा जो जब हम लोग छानेंगे ना बहुत अच्छे से होगा वो। तो हो गया मेरा कंप्लीट है और ये जाएगा अभी फ्रिज के अंदर। रेडी है, अब यहाँ पे सैंडविच का प्रिपरेशन हो रहा है। तवा को दे दिया है और ये थोड़ा सा गर्म हो जाए और जो आलू मैश करके रखा हुआ था उसे ब्रेड के ऊपर दे के अच्छे से जो मतलब आप लोगों को पहले ही मैंने दिखाया था वो देखे, उसके ऊपर टोमेटो सॉस दे के उसके ऊपर और एक ब्रेड जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर आप क्या जा रहा है, बटर जा रहा है। अब इसके अंदर गया बटर, पाव दे दे। সোনু ঝুলে ঝুলে আমিও করবো তুইও করবি। চাই কি চাই কি খাবে দেখো কেতনা আচ্ছে সে এক্সাইট হো গিয়া। দুসরে সাইড ভি এসেই কর লেনা হ্যায়। বাহ কি হয়েছে বলো, কোলে নাও দাঁড়া। কড়াই মে তেল লেগে এসে গরম কর লিয়া হ্যায় আর এক এক করকে হাম এসে ছোড়েঙ্গে আর ফ্রাই করেঙ্গে, ঠিক হ্যায়। तेल को अच्छे से गर्म होने देना है नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। हाल बेहाल हो रहा है, इतना ज्यादा पसीना छूट रहा है, इतना ज्यादा अभी प्याज लग गया है ना ये फ्राई करते करते कि क्या बोले, मतलब
ये मतलब फ्राई करने के टाइम में ऑयल का एक गर्मी आता है ना, देखो ना कितना ज्यादा धुआं, तो इसके कारण और ज्यादा गर्मी हो रहा है। और अभी घोलेंगे, ये हो जाने के बाद हम घोलेंगे रूह अफ़ज़ा, और क्योंकि मुझे रूह अफ़ज़ा ही पीना सबसे ज्यादा पसंद है, मतलब रूह अफ़ज़ा जब पीते ना लगता है कि थोड़ा ठंडा ठंडा हो गया। आपको क्या पसंद है मुझे जरूर बताना, अगर कोई ड्रिंक है जो आप घर में बनाते हो अच्छा लगता है तो मुझे बताना जरूर, तो मैं ट्राई करूंगी कि इस रमजान में हम लोग भी वो ट्राई करें। ठीक है, मोस्ट ये अच्छे से फ्राई हो गया, ऐसे ही लाल लाल करके इसे फ्राई करना है और ढा देना है। बच रहे हैं 5:40 हो गया है और हमारा सारा प्रिपरेशन डन हो गया है। शाकिब को बोले थे, शाकिब बोला था कुछ लेके आएगा क्योंकि राहिल भाई जो है बाइक लेके गया है काम पे, तो शाकिब चल के रोजा करके जा नहीं पा रहा है बेचारा, बोले नहीं हम नहीं आ पा रहे, जा पा रहे, तो हम लोग बोले ठीक है बहुत कुछ हो गया है अरेंजमेंट तो तुम आ जाओ, तुमको और कुछ लाना नहीं है, तो चलो दिखाते हैं कैसे हम लोग उसको सजाए हैं यहाँ पे। पियेंगे और शीला के छत पे चलेंगे, अभी इतना हवा वहाँ पे है ना, चलो छत पे चलते। चल सुनो शाकिब कैसा गया रोजा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गया। तुम बोले कि मेरा टेंशन हो रहा था, तबियत खराब हो जा रहा है ना, नहीं, डॉक्टर मैंने तुम्हें बोला था मेरा आदत है, पर कुछ दिन छूट गया था आदत, पर मेरा आदत है, और रिया ने इतना अच्छा अच्छा डिशेस खिलाया मुझे, मेरा तो पेट ही भर गया और इतना एनर्जी था मुझे मिल गया। चलो रिया को भी बहुत बहुत दुआ मिले कि रिया ने बहुत अच्छा इफ्तार करवाया। और गाइस मैंने जो जो दिखाया हम लोगों ने, जरूर ट्राई करना, अगर ट्राई करते हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? और एक बार देखो शीला का ये जो रोड है ना, यहाँ इतना इस छत से अच्छा नजारा आता है और इतना सादा सुंदर हवा आता है ना, कि क्या बोलूं, इतना सुंदर नजारा है। सो गाइज और मैं वीडियो को लंबा नहीं करूंगी क्योंकि काफी ज्यादा लंबा हो गया है वीडियो। आई होप मेरा ये रमजान का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, और आप लोगों का रमजान कैसा जा रहा है मुझे जरूर कमेंट में बताना। और आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, अगर पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और मुझे इंस्टाग्राम में भी जरूर फॉलो कर लेना। तो हैप्पी रमजान मैंने पहले भी बोला है और अभी भी बोल रही हूँ, हैप्पी रमजान, खूब इंजॉय करो, ये बरकत का महीना है, खूब अच्छा अच्छा काम करो। सो गाइज बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।